नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बनगांव के लाड़ूपंदा में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। सत्यनारायण प्रधान ने कहा कि 5 मार्च को हवन यज्ञ कार्यक्रम होगा, 6 एवं 7 मार्च को संस्था में भजन कीर्तन होगा, 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर उड़िया पाला का आयोजन होगा। अब खबर विस्तार से। कराईकेला थाने के लाड़ूपदा गांव में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 111 महिलाओं ने विजय नदी में कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली। इसके पूर्व पंडित ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद कलश यात्रा का आयोजन हुआ। भगवान शिव के शिवलिंग को नदी में स्नान कराया गया एवं विधि विधान के साथ नव निर्मित शिव मंदिर में स्थापित की गई। इसके साथ ही भगवान शिव का प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों के साथ की गई, जिसके उपरांत रुद्राभिषेक चंडी पाठ की गई। पूजा के बाद महाभंडारा का आयोजन हुआ। मौके पर सत्यनारायण प्रधान ने कहा कि 5 मार्च को हवन यज्ञ कार्यक्रम होगा, 6 एवं 7 मार्च को संध्या में भजन कीर्तन होगा, 8 मार्च को महाशिवरात्रि एवं उड़िया पाला का आयोजन होगा। शिव मंदिर के प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में डॉक्टर विजय सिंह गागराई पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। इस मौके पर श्रीधर प्रधान, अभिमन्यु प्रधान, नारद प्रधान, विश्वामित्र प्रधान, शंकर प्रधान, प्रमोद प्रधान, डोमन प्रधान, मिथुन प्रधान, कोर्नो प्रधान, गजपति तांती, घासीराम प्रधान, लोबो दोराई समेत काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ चक्रधरपुर।